देश में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद अब बारी उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की है। प्रदेश की बद्रीनाथ विधानसभा सीट और हरिद्वार जिले के मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इन दोनों सीटों पर अब तक किसका पलड़ा भारी रहा है। साथ ही इस सीट से जुड़ी सियासी समीकरणों के बारे में भी आपको रूबरू कराएंगे। हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट राज्य गठन के बाद अस्तित्व में आई थी। इससे पूर्व मंगलौर क्षेत्र लक्सर विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। राज्य गठन के बाद साल 2002 और 2007 में हुए विधानसभा चुनावों में बसपा से काजी निजामुद्दीन ने लगातार दो बार यहां जीत दर्ज की थी। वहीं इसके बाद वक्त का पहिया आगे बढ़ा तो साल 2012 में दोनों नेताओं ने अपना अपना पाला बदल लिया। सरवत करीम अंसारी जहां बसपा में शामिल हो गए तो वहीं काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2012 में दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने आए। इस बार सरवत करीम अंसारी ने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़कर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को पटखनी दी और बसपा का दबदबा कायम रखा, जबकि अगले चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बसपा के सरवत करीम अंसारी को हराकर पहली बार हाथ का पंजा खोला। इसके बाद साल 2022 में हुए चुनाव में फिर दोनों नेता आमने सामने आए, जिसमें सरवत करीम ने काजी को हराकर बाजी मारी थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीट पर बसपा कांग्रेस का दबदबा ही कायम रहा है। ऐसे में कांग्रेस और बसपा को छोड़कर भाजपा को इस सीट पर अपना खाता खोलना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बसपा से विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई मंगलौर विधानसभा का समीकरण किसी भी लिहाज से बीजेपी के लिए ठीक नहीं बैठता है। ये विधानसभा सीट पूरी तरह मुस्लिम मतदाताओं पर आधारित है। यहाँ आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने दांव जरूर खेला है, लेकिन उसके सामने कांग्रेस और बीएसपी बड़ी मुश्किल है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को यहाँ से 23,001 मतों की बढ़त मिली थी। बहरहाल एक बार फिर कांग्रेस ने इस सीट पर काजी निजामुद्दीन पर भरोसा जताया है, जबकि बसपा ने उबैदुर रहमान को मौका दिया है। वहीं भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना पर दांव खेला है। ऐसे में मंगलौर विधानसभा की ये जंग त्रिकोणीय मुकाबले में बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।